सुंदर मनोवृत्ति को समझने का पुरुषार्थ कहते हैं। ओम शांति कृतिबेन, द फ्लोर इज योर्स। थैंक यू वैशाली दीदी, एंड थैंक यू पूरे ब्राह्मण परिवार का कि मुझे ये मौका मिला कि जो बाबा ने मुझे पर्सनली और एक संगठन के साथ जितना एक्सप्लोरेशन कराया है वो मैं आप लोगों के सामने रख सकूं। वैसे तो आप सबको पता है बाबा को ही रखना है, बाबा को ही हमारे हर एक प्रश्न का जवाब देना है। परमात्मा ही रिस्पॉन्सिबल है हमें हमारी उलझनों से, हमारी जो बुद्धि बाबा कहते हैं जो उलझी हुई है उससे बाहर निकालने के लिए। लेकिन निकालने का प्रोसेस क्या होता है और निकालने के प्रोसेस में अनुभव कितना बड़ा रोल प्ले करता है वो भी हम इन सीरीज के द्वारा समझेंगे। डिकोडिंग गॉड्स साइकी, एक भगवान की या परमात्मा की ही वो साइकी है या वो बुद्धि है या वो मन है जिसके द्वारा परमात्मा एक सुंदर दुनिया की रचना कर रहा है। उस सुंदर दुनिया को रियलिटी में हमारे सामने ला रहे हैं, तो उनको समझना क्यों जरूरी है, क्यों हमें लगता है कि गॉड की साइकी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि हम इतना समय भी उसमें डालें, उससे हम शुरू करेंगे। तो लेट मी शेयर द प्रेजेंटेशन विद यू ऑल। एज यू कैन सी टॉपिक इज डिकोडिंग गॉड्स साइकी। ये हमारा पूरे सीरीज का एक टॉपिक रहेगा। लेकिन उसमें सबसे पहली चीज जो हमें भगवान की साइकी को समझने के पहले समझनी है कि गॉड और मेरा रिलेशनशिप क्या है। एक रिलेशनशिप जिसके साथ भी होता है वो रिलेशनशिप निमित्त बनता है कि हम उस रिलेशनशिप के थ्रू जिसके साथ जुड़े हैं उसको अनुभव कर सकते। जैसे हमारे सामने कई सारे रिलेशनशिप्स होते हैं, मदर फादर टीचर स्टूडेंट, कई सारे हम ले सकते हैं और हर एक रिलेशनशिप का एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, हर एक रिलेशनशिप का एक अनुभव अपना ही होता है। जो बात दोस्ती में होती है वो शायद पेरेंट की साथ बच्चे नहीं शेयर कर सकते हैं, जो बात एक पति के साथ होती है वो पिता के साथ नहीं हो सकती है, जो बात एक माँ के साथ शेयर की जा सकती है वो कई हद तक कई लेवल पे हम अपने और किसी भी फ्रेंड और किसी भी ग्रैंड पेरेंट्स या किसी से शेयर नहीं कर सकते। तो हर एक रिलेशनशिप हमें हमारे अंदर चल रही कई सारी फीलिंग्स, कई सारी एक्सपीरियंसेस को इमर्ज करने के निमित्त बनता है, इमर्ज करने के इंस्ट्रूमेंट बनता है। तो वैसा ही कुछ एक रिलेशनशिप हम हमारे परमात्मा के साथ भी जोड़ते हैं, उसको कहते हैं कंपेनियनशिप। इसको समझने के पहले क्यों परमात्मा के साथ में ये रिलेशनशिप बनाना जरूरी है या इस रिलेशनशिप को बनाने का हमारे जीवन में क्या फायदा। Why would we even want to spend 4 hours in a month to study God's psyche? क्यों? क्या जरूरत है? नहीं जाने ना, सिर्फ जो बाबा बता रहे हैं मुरलियों के द्वारा या जो बाबा बता रहे हैं, अनुभव करा रहे हैं, जिससे बाबा हमारी हेल्प कर रहे हैं, दैट इज इनफ राइट। देन वॉट इज द रिक्वायरमेंट? मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप एक मिनट इसको कॉन्टेम्पलेट करें कि हमें एक्चुअल में परमात्मा को जानने की या उसकी साइकी को समझने की कोई रिक्वायरमेंट है या नहीं है। लेट अस टेक दिस 1 मिनट एंड दिस विल बी आवर मेडिटेशन टू बिगिन विद। सो लेट अस टेक 1 मिनट।
क्या कोई जवाब निकल के आया? आप चैट के थ्रू अपना जवाब मेरे साथ शेयर कर सकते हैं. Why do we need to spend time in understanding God's psyche? इसी के लिए इस सेशन की शुरुआत में हमने इस पॉइंट को रखा है कि what is the requirement for me to even spend these many hours to understand God's psyche. तो आइए इसको शुरू करते हैं. हम अभी तक की अपनी जर्नी देखते हैं. वैसे तो 5000 की जो साइकिल है, जिसको हम एक कल्पा कहते हैं, वो साइकिल हर एक आत्मा की, जो कि ब्राह्मण कुल भूषण है, जो कि देती सोल है, उनकी मेजॉरिटी में रही है, या फिर पूरे कल्प की भी 5000 साल की एक साइकिल है. लेकिन उसके साथ साथ ये 5000 सालों की साइकिल मेरी भी है. मैंने भी 5000 years इस धरती पर पार्ट प्ले करते हुए, अपना अपना रोल प्ले करते हुए स्पेंड किया है. इस 5000 साल की साइकिल को जो मैंने अभी तक स्पेंड किया, थोड़ा सा इसे एक अलग वे में देखते हैं कि मेरी किस तरह की जर्नी रही. सबसे पहले जो हमारे पास में पीरियड रहा, जिसको हम गोल्डन एज और सिल्वर एज कहते हैं, वो पीरियड, जैसे कि बाबा कहते हैं अपनी मूल्यों में, कि वो पीरियड हमारे वृक्ष का, हमारे ट्री का ट्रंक है. उस ट्रंक को अगर हम देखें तो उस ट्रंक के अंदर हमने किस तरह का रोल, देखिए अगर ट्रंक है तो यूनिटी है, एक है, हम सब एक साथ हो करके सत्यों पर ट्रेन गोल्डन एज और सिल्वर एज में अपना हर एक कर्म, हर एक वर्क परफॉर्म करते हैं. लेकिन वो परफॉर्मेंस के समय में हमारे अंदर किस तरह के थॉट्स चलते हैं, या हमारा वो रोल किस तरह का होता है, थोड़ा समझेंगे. वो समय जब हम लोग सत्युग और त्रेता में होते हैं, जब हम यूनिफाइड होते हैं, तो ये यूनिफिकेशन योग बल जो आज हम अपने अंदर भरते हैं, उसके थ्रू हमारे अंदर स्ट्रेंथ ऑफ वननेस आती है, एकता, जिसके कारण मैं, सिर्फ मैं अपनी बात कर रही, सबकी नहीं कर रही, मेरा जैसा ये वाला अनुभव सभी का होगा. All lady souls will be experiencing this. Lekin I need to understand it through my journey. We can't say we do it, we have done it, which dilutes my personal journey. So, इसलिए अपनी personal journey को समझने के लिए let us understand मेरा क्या role था. सबसे पहली बात, जो भी मैंने role play किया, उसमें I felt responsible for the subjects and family. चाहे मेरे कोई भी subject रहे, चाहे मैं लक्ष्मी नारायण के रूप में रही हूँ, चाहे मैं साहूकार के रूप में रही हूँ, चाहे मैं साहूकार प्रजा के रूप में रही हूँ, साधारण प्रजा, जो भी हमारे को टैग्स बाबा ने दिए हैं, जो भी वहां के पद बाबा ने हमें बताए हैं, उसके अनुसार वी ऑलवेज हैड समवन टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, दैट बिकम्स आवर इनेट नेचर. आज के समय में अगर हम देखें, हम कितने सारे सेंटर्स जाते हैं, हम मधुबन भी जाते हैं, और हमने दादियों से भी शायद मुलाकात की है या नहीं, डिपेंडिंग अपॉन हम कब से नॉलेज में है, तो हमारी वेल बीइंग का, हमारी कामनेस का, हमारे पीस का, हमारे हर एक ब्राह्मण परिवार की हर एक आत्मा का रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मानती है. वो पूछती है, आप ठीक हो, सही हो, खाना अच्छे से मिला, सोने को अच्छे से मिला. और जब बाप दादा आते हैं तो वो भी ये बात जरूर पूछते हैं, ठीक हो, जो चाहिए वो मिल रहा है, संतुष्ट हो. क्यों? ये किसी, ये इस कारण नहीं आता है बिकॉज इट्स अ कॉन्वर्सेशन स्टार्टर. नो, बिकॉज वी इनेटली इनसाइड ऑफ अस बीइंग अ डेटी सोल, वी फील रिस्पॉन्सिबल. हमें मन करता है कि हम सबका ध्यान रखें. क्यों? क्योंकि हमारा परिवार है, हम सब एक हैं, आपकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है. तो इसी तरीके का कुछ हमारा मेंटल स्टेटस वहां पर भी होता है, जब मैं आई फील रिस्पॉन्सिबल फॉर द सब्जेक्ट एंड फैमिली, आई इंक्लूड entire world as ours. पूरा वर्ल्ड, जिसको हम आज के समय में, हम कभी भी कोई प्रमोशन करते हैं या हम कोई भी ड्राइव करते हैं, तो हम इस बात को जरूर फोकस करते हैं, वासुदेव कुटुंबक, हम सब वन वर्ल्ड वन फैमिली है. तो वहां पर भी हमारी यही दृष्टि रहती है कि चाहे वो कोई भी हो, बाबा ने भी ये कहा है, मणका का चाहे वो आखिरी दाना भी क्यों ना हो,
उससे बाबा को उतना ही प्यार है जितना आपसे। क्यों? क्योंकि we include the entire world as our family, as ours, मेरे खुद का, उसको लेके चलते हैं। तीसरा, I served with only love, respect and compassion. आज हमें बाबा क्यों बोलते हैं कि हमें विकारों को नहीं यूज करना है? क्यों हमें बोला जाता है गुस्से को नहीं यूज करो, प्रेम को यूज करो? क्योंकि वहां गुस्सा होता नहीं। आज अगर हमने प्रेम से काम करना नहीं सीखा, कंपैशन से काम करना नहीं सीखा, सेवाएं करना नहीं सीखा, रिस्पेक्ट से नहीं सीखा, तो सोचिए हमारे अंदर वो गैप हमेशा रह जाएगा उन पावर्स का, जो पावर्स आने वाले समय में हम यूज करेंगे टू कंडक्ट आर डेली रूटीन, टू कंडक्ट आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टू कंडक्ट आर वेल बीइंग। आज अगर हम लव एंड रिस्पेक्ट को यूज नहीं करते हैं, गुस्से को यूज करते हैं, जो भी अनेक अनेक विकार यूज करते हैं, तो कल तो वो विकार रहने नहीं वाले। और अगर आज हम अपने आप को समझ करके, उस उन पावर्स को समझ करके, उनके साथ एक्सपीरियंस नहीं कर लेते कि किस तरीके से हम उनके द्वारा काम करें, तो हम वहां पे भी नहीं कर पाएंगे ना, कैसे कर पाएंगे? तो इसलिए वहां पर जिसकी हम बात करें गोल्डन एज एंड सिल्वर एज में, मैंने कैसे सर्व किया? प्यार से सर्व किया, रिस्पेक्ट कंपैशन से सर्व किया, यही मेरा सर्विस रहा। फिर हम चलते हैं, मैं अपनी ही पर्सनल जर्नी देख रही हूँ, फिर हम चलते हैं उस समय में जिसको हम कहते हैं द्वापर युग। द्वापर युग में क्या हुआ? सेपरेशन आया, वी डिड नॉट हैव योग बल, खत्म हो गया। बाबा ने कहा 21 जन्म ही प्रारब्ध चलते, उसके बाद तो चलती नहीं, तो जो था, जो हमने भरा था, खत्म हो गया। एंड एंटर्स माया, वो आकर के हमें एक नया प्रोपोजिशन देती है कि चलो आपके पास ये शक्ति नहीं है, इट्स ओके, आप इस पावर को यूज करो, गुस्से को यूज करो, मोह को यूज करो, काम को यूज करो, यू यूज दिस टू कंडक्ट योर लाइफ एंड वी डोंट हैव एन ऑप्शन। तो वी स्टार्ट टेकिंग दैट, वी स्टार्ट इम्बाइबिंग स्ट्रेंथ ऑफ वाइस इन द सेल्फ। तो क्या करना पड़ा? अभी वाइस का काम क्या होता है? वाइस कभी जोड़ता है क्या? कभी देखा है गुस्से ने दो जनों को जोड़ दिया हो? वाइसेस का काम ही है तोड़ना, वाइसेस का काम ही है बाइफर्केशन करना, वाइसेस का काम ही है कंपैरिजन लाना, ऊंचा नीचे का भाव लाना। तो बाय डिफॉल्ट जैसे ही इन स्ट्रेंथ्स को मैं यूज करने लगी, इन पावर्स को यूज करने लगी, बाय डिफॉल्ट आई हैड टू डिवाइड, बाय डिफॉल्ट आई हैड टू स्पीक मल्टीपल लैंग्वेजेस। कैसे? मैं काम कर रही हूँ तो अपने जिनके साथ काम कर रही हूँ उनसे मुझे अलग तरीके से बात करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वहां पर हमारे बीच में लेन देन चल रहा है या हमारे बीच में एक बिजनेस चल रहा है। बेस्ड ऑन दैट आई हैड टू स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज वर्सेस आई कैन स्पीक अ टोटली डिफरेंट लैंग्वेज विद माय सन और विद माय डॉटर और विद माय फादर, बिकॉज वहां रिलेशन अलग हो गया। उस रिलेशन के बेसिस पे उस रिलेशन की रिक्वायरमेंट्स अलग हो गई। आई कांट जस्ट बी फ्यूरियस ऑन माय किड्स एट ऑल टाइम्स। क्यों? क्योंकि वो रिश्ता अलग है। तो मुझे यहाँ पर अलग चीज का यूज करना पड़ा और वहां पर अलग चीज का यूज करना पड़ा, क्योंकि मेरे अंदर योग बल की पावर नहीं रही। वो योग बल जो यूनिफाई करती है, वो योग बल जो लव रिस्पेक्ट एंड कंपैशन से हर एक कर्तव्य को पूरा करता है। आई हैड लॉस्ट दैट। अनदर थिंग, आई हैड टू फॉलो डिफरेंट धर्मास। अब अलग अलग धर्म क्या होते हैं? आत्मा का तो धर्म एक ही है, शांति, सुख, जो भी हम बात करते हैं सातों गुणों की। लेकिन शरीर के धर्म तो अनेक अनेक। आज अगर मैं किसी की मामी हूँ तो मेरा उनके प्रति रिलेशन अलग होगा, वर्सेस मैं किसी की मम्मी हूँ तो उधर मेरा रिलेशनशिप अलग होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग होंगी। तो इस बाइफर्केशन ने मेरे अंदर सोचिए कितना बाइफर्केशन कर दिया। आई हैव टू बिहेव दिस वे विद दीस पीपल, आई हैव टू बिहेव दैट वे विद दीस पीपल। तो ये क्या हुआ? इसके कारण अनेक अनेक धर्म, शरीर के धर्म, तभी बाबा बोलते हैं शरीर और शरीर के सर्व धर्मों को छोड़ मुझे को याद करो। ये धर्म किस लेवल पे आए? शरीर के धर्म। अब बाय चांस मेरा जन्म हुआ इंडिया में, हुआ इंडिया में, अलग अलग तरह के कर्तव्य मैंने किए। अब अगली बार मेरा जन्म यूएई में हो गया, वहां टोटली डिफरेंट कोड ऑफ कंडक्ट। तो क्या होने लगा मेरे अंदर? मेरे अंदर डिविजन होने लगा। और फिर ये पेड़ तो बढ़ता ही गया। कलयुग में तो मल्टीपल धर्म्स, मल्टीपल सोच, मल्टीपल मते एंड मल्टीपल वेज टू रिकंसाइल विद द सेल्फ शुरू हो गए। जब ये यात्रा मैंने रची,
जिसमें मैं पेरेंट बनी, मैं जिसमें मैं पेरेंट बनी, चाइल्ड बनी, एक सिटीजन बनी, आई एम एन इंडियन, एक हस्बैंड या वाइफ बनी, एक प्रोफेशनल बनी, एक डिवोटी बनी, भक्ति भी तो करनी थी ना, एक टीचर बनी, कौन मैं आत्मा, मैंने जब इतने रोल प्ले किए और साथ के साथ मुझ आत्मा का इस शरीर से जो संबंध रहा और इस शरीर को छोड़ने के साथ जो मेरा संबंध रहा वो क्या रहा। कई बार मैंने शरीर डिजीज के कारण छोड़ा, कई बार शरीर एक्सीडेंट के कारण छोड़ा, कई बार शरीर मर्डर हो गया शायद मेरा, या फिर मेरे को नेचुरल कैलामिटीज के कारण शरीर छोड़ना पड़ा। सो ऑल दीज रिलेशनशिप्स एवरीथिंग मेड माय जर्नी वेरी वेरी कंफ्यूजिंग। अभी क्या कर सकते, जैसे ही मुझ आत्मा ने इतने सारे अनुभव किए, क्या लगता है वो सारे अनुभव कहाँ गए होंगे? हर बर्थ के साथ वो अनुभव खत्म हो गए होंगे, चले गए होंगे? ऑल दीज ट्रॉमास, ऑल दीज रिलेशनशिप्स, ऑल दीज पार्ट्स, दीज रोल्स विच आई हैड प्लेड सो फार, कहीं पर माँ बनी, कहीं पर पिता बनी, कहीं पर एक आइडियल बच्चा बनी, I had to take care of both of my parents. तो कहाँ गए होंगे? They were in me. They are in me. Although not visible through these two eyes, but they are in my aura. मेरे aura के अंदर ये प्रत्यक्ष है कि मैंने कितने कितने जन्म कैसे लिए हैं और उन जन्मों के द्वारा मेरे अंदर कैसे कैसे bifurcation आए हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ examples बताती हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपके सामने एक बुक, दो बुक्स है। पहली बुक है जिसका नाम है होलोग्राफिक यूनिवर्स। इस बुक के अंदर जो बुक का राइटर है जिसका नाम है माइकल टैल्बट, इन्होंने बहुत अच्छे से बताया, अपने एक्सपीरियंसेस बताए। ही वाज स्टेइंग विद अ फ्रेंड ऑफ हिज, एक दोस्त के साथ रहते थे, और वो जो दोस्त थी वो ऑरा रीडिंग करती थी। उनको पता चलता था कि ऑरा को देख करके वो हीलिंग करना बहुत सारी चीजें होती है, हमें पता है, राइट? तो एक बार ये भाई, ही वाज राइटिंग अ नॉवल, एक नॉवल लिख रहे थे, और वो नॉवल वेयरवुल्व्स के बारे में, तो वो लिख रहे थे, उसके बारे में चिंतन कर रहे थे, सोच रहे थे, ओके व्हाट इज, व्हाट एम आई गोइंग टू राइट इन दिस नॉवल एंड ऑल दैट। एंड इन कम्स वो उनके फ्रेंड, डोर से अंदर आई, एंड द मोमेंट शी सॉ हिम, शी कुड सी दैट वेयरवुल्फ इमेज अराउंड हर। उनको वो वेयरवुल्फ का इमेज अपने चारों तरफ, उस भाई के चारों तरफ दिखने लगा। तो वो बोलती है कि अच्छा, आप अपने नॉवल के बारे में लिख रहे थे ना वेयरवुल्फ के बारे में, बोलते कि हाँ, कैसे पता? तो इट्स विजिबल, उनको दिख रहा था कि उनका स्किन के ऊपर एक नया तरह का लेयर आ गया है, और उनके नाखून ऐसे हैं जैसे वेयरवुल्फ के होते हैं, चेहरा ऐसा है, वो सब उनको दिख रहा था, उनको बताने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो देख सकती थी। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स इस होलोग्राफिक यूनिवर्स के अंदर, इस बुक के अंदर है। एक और बुक है जिसका नाम है हैंड्स ऑफ लाइट। मैं ये प्रेफरेंसेस इसलिए दे रही हूँ ताकि अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। इस बुक के अंदर जिसने ये लिखी है, बारबरा सिस्टर ने, शी इज अ हीलर, वो खुद एक हीलर है। तो उनके पास में जितने भी केसेस आते थे, जितनी भी बातें आती थी, उनकी ऑराज को वो चेक करती थी और देख के बता पाती थी कि आपने इस जन्म में, इसके पिछले जन्म में, मना कि वो उस आत्मा के 9 शरीर तक देख पाती थी, 9 सटल बॉडीज देख पाती थी, और देख करके बता पाती थी कि आपका ये डिजीज का ओरिजिन क्या है या आपकी इस मेंटल स्थिति का ओरिजिन क्या है। हमें जानते हैं आज के समय में बहुत सारी हिप्नोथेरेपीज भी चलती है जहां पर उन आत्माओं को उनके प्रीवियस पास्ट लाइफ रिग्रेशन जिसको हम कहते हैं, जिनमें लेकर जाकर के उनको रिजॉल्व करते हैं। वो लोग करते हैं जिनको ऑरा नहीं दिखता है, लेकिन जो ऑरा देख पाते हैं उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की जरूरत नहीं, उनको साफ दिख जाता है कि ये वाला जो आपका डिजीज आया है ये आपकी किस सोच के कारण और किस समय के ट्रॉमा के कारण आया, कब आपके साथ में क्या हुआ कि आपके लाइफ में इस डिजीज ने जन्म लिया या इमर्ज। तो ऐसी कई सारी बुक्स हैं जहां पर इसके बारे में हम और डिटेल में समझ सकते हैं। द पॉइंट इज दैट कि वो सारी इंफॉर्मेशन, वो मेरे सारे 84 जन्म कहीं नहीं गए हैं, वो मेरे साथ चल रहे हैं। और इसके ऊपर बाबा भी कहते हैं, कोडेड वे में कहते हैं, बट कहते हैं, बाबा डजंट सी इवन आफ्टर सीइंग, बाबा देख कर भी नहीं देखते हैं, बाबा को स्पष्ट दिखाई देता है
कि हमने क्या किया है, हम क्या करके आए हैं, क्या करने वाले हैं, बाबा बहुत अच्छे से देख पाते हैं। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, मैं देख कर भी नहीं देखता, I'm sorry। फिर बाबा कहते प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, जो आप हो जैसे हो मेरे सामने प्रत्यक्ष, ट्रुथ इज सेल्फ एविडेंट, सामने दिखाई देता है कि आज तक आपकी चलन कैसी चली है, या आपकी आज तक का व्यवहार कैसा रहा है, आपके अंदर क्या स्थिति चल रही है, क्या संकट चल रहे हैं, ये सारी चीजें बाबा को स्पष्ट दिखाई देती है। बाबा कहते मैं देखता नहीं हूँ बैठ करके, मैं एक एक के मन में क्या चल रहा है ये देखता नहीं हूँ, लेकिन चाहे तो देख सकते हैं, चाहे तो हमारी पूरी फाइल, बाबा ने कहा आपकी सारी फाइल मेरे पास है, डेफिनेटली मुझे जब जो देखना है मैं देख सकता हूँ। ये कैसे पॉसिबल है, क्या बाबा के पास में कोई रिकॉर्ड सिस्टम है जहाँ पर सूक्ष्मतन में बहुत सारी लाइब्रेरी बनी हुई है, जहाँ पर हमारे हर एक जन्म के हर एक सेकंड का हिसाब लिखा गया है? नो, इट इज ऑल इनकॉर्पोरेटेड इन माय ऑरा, इन द इंफॉर्मेशन ऑफ जो मैंने आज तक जीवन जिया, जो मैंने आज तक एक्सपीरियंसेस अनुभव किए, वो पूरा मेरे ऑरा के अंदर ऑलरेडी है। और बाबा क्या कहते हैं, हर एक आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, कहीं नहीं गया है वो पार्ट, मेरे अंदर ढूंढा हुआ है, मेरे अंदर है, जहां जहां आत्मा है वहां वहां उसकी प्रेजेंस में उसके 84 जन्म स्पष्ट है। और एक राज की बात, बाबा कहते हैं कि बच्चे अगर तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हारी काया कल्प दरु कर दूंगा। हम सोच सकते हैं बाबा ऐसा क्यों कहते, काया कल्प दरु का मतलब ही है पूरे कल्प की जो मेरी सिचुएशन रही है, जो मैंने जन्म लिए है, उसी के द्वारा तो हमारी प्रत्यक्षता होगी ना। कैसे पता चलेगा कौन है, आप कौन है, वो उनको दिख जाएगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। हम पुरुषार्थ प्रत्यक्षता का नहीं करते, हम पुरुषार्थ अपने को संपूर्ण बना कि अपनी उस रियल स्टेज को इमर्ज करने का करते, सिर्फ अपने अंदर जो मेरे अंदर है वो सामने वाले को अपने आप दिख जाएगा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। तो इस तरह के बाबा के कई महावाक्य हैं जो ये दर्शाते हैं कि हमारे अंदर, हमारे इस ऑरा में ऑलरेडी सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन अगर हम हमारा द्वापर से कलयुग के अंत तक का समय देखें, यात्रा देखें, तो उस हर एक यात्रा में हमारा लाइफ में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आए। It was not a simple journey. Let us contemplate. एक बार सोच के देखते हैं क्या रहा। जैसे कि हमने देखा योग बल के समय जब सत्यों पर त्रेता था, तो मैं जो भी मैं मेरा कर्तव्य रहा, जो भी मेरा रोल रहा, लेकिन उसके कारण मेरे अंदर जो भावना थी वो हमेशा से वर्ल्ड बेनिफिट, मतलब वर्ल्ड को बेनिफिट करने की, सबको अपना मानने की। अब सोचिए मेरे पास कोई शक्ति नहीं बची है, या मेरे पास में इतनी शक्ति नहीं बची है कि मैं सबका कल्याण करने का सोच सकूं, सबको अपना बनाने का सोच सकूं। अब मैं आत्मा जिसने अपनी इन सारी शक्तियों को लूज कर दिया, जो पूरे वर्ल्ड को सर्व करने की थी, वो आत्मा द्वापर युग में जब आएगी और उसके सामने कई सारी चीजें हो रही है, कई सारी नेचुरल कलामिटीज आ रही है। हमने सुना है जब त्रेता खत्म होता है और द्वापर शुरू होने वाला होता है तो कई सारे नेचुरल कलामिटीज आती है। तो मानिए ऐसी नेचुरल कैलामिटीज हमारे सामने आ रही, एंड आई डोंट हैव द पावर टू सेव पीपल, बस शक्ति नहीं है कि मैं आत्माओं की मदद कर सकूं, तो मेरे अंदर क्या होगा, मेरे अंदर कैसी फीलिंग होगी, कंटेम्प्लेट करके देखते हैं। कितना मैंने स्वयं से लड़ाई की होगी कि नहीं कर सकती, कर जितना हो सका उतना कर पा रही, राइट। और चीजों में हम देखते हैं जैसे मेरा कर्तव्य रहा कि मैं सबको समान दृष्टि से देखूं, है ना, सबको एक साथ लेकर चलूं, लेकिन अब आ गए हैं डार्क एनर्जीज, अब आ गई हैं विकारों की शक्तियां, कैसे मैं किसी ऐसे इंसान को अपने साथ रखूं जो कि मेरा अकल्याण ही अकल्याण किए जा रहा है, जो मेरे मेरा घाटा ही किए जा रहा है। तो I had to take a decision, नहीं मैं इतना कर पाऊंगा, इतना नहीं कर पाऊंगा, और मैंने अपने चारों तरफ फेंसिंग किया।
अपने चारों तरफ फेंस बनाया, अपने चारों तरफ एक कैसल बनाया। कौन सा कैसल? लिमिटेशंस का, क्योंकि लिमिटेशंस अंदर तो थी ना, लेकिन अब वो लिमिटेशंस मैं बाहर भी रखने लगी, क्योंकि अनलिमिटेड नहीं, अनलिमिटेड पावर्स नहीं, अनलिमिटेड एबिलिटीज नहीं है। मेरी लिमिटेशन होने के कारण मेरे सर्कमस्टेंसेस में, मेरे वातावरण में भी मुझे लिमिटेशंस को लाना पड़ा, राइट? अब जब ये लिमिटेशंस आई, आने के बाद में कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण, जैसे कि हमने देखा कितने सारे ट्रॉमास, कितनी सारी चीजों के थ्रू हम गुजरे, ये लिमिटेशन आने के कारण क्या हुआ? आई हैड टू बिकम दैट ट्विस्टेड पर्सन। बोलते ना, आप कितने ट्विस्टेड हो, क्यों बोलते हैं? क्योंकि कहीं कुछ और रोल चल रहा है, कहीं कुछ और रोल चल रहा है, दिमाग में बस यही कॉन्टेम्पलेशन चल रहा है, करूंगी तो कैसे करूंगी, कैसे बता सकती हूँ, कैसे इनको सच बोल दू, आई नो इनको सच बोलूंगी तो दिक्कत हो जाएगा, तो अभी झूठ बोलना पड़ेगा, लेकिन झूठ बोलना मना क्या, खुद के नियमों के अगेंस्ट जाना, तो है मेरे को अपने कॉन्शियंस को किल करना पड़ेगा। सो ऑल दीज कॉन्फ्लिक्ट्स, हर तरफ का एक कॉन्फ्लिक्ट, हर तरफ के एक क्रॉस रोड जिसको हम कहते, उस पे आकर के हमें खड़ा होना ही पड़ा। तो अब हमें समझना है कि इस जर्नी में शिव बाबा की ये जो एंड प्रोडक्ट हम बन गए, ये एक ट्विस्टेड सा एंड प्रोडक्ट, एक उलझा हुआ एंड प्रोडक्ट, कॉन्फ्लिक्टेड एंड प्रोडक्ट, कंफ्यूज्ड एंड प्रोडक्ट, इनकेपेबल एंड प्रोडक्ट जो हम बन गए, उस एंड प्रोडक्ट को बाबा को सुलझाना है और फिर से क्या बनाना है, वो जो हम थे, एक वो जो हम थे जो सबको समान दिख रहे थे, वो जो हम थे जो सब से इक्वल प्यार करते, हर एक के प्रति हमारे दिल में स्नेह था, हर एक के प्रति हमारे दिल में एक्सेप्टेंस था, वो बाबा कैसे करेंगे? तो जो हमने ट्विस्ट एंड टर्न्स लिए, बाबा उस पर श्रीमत के थ्रू ऑपोजिट प्रेशर, ऑपोजिट फोर्स बनाता है, जिससे कि हम फिर से समान हो जाए। ट्विस्ट एंड टर्न्स हमने लिए, हम एक ट्विस्टेड पर्सनालिटी बन गए, उस ट्विस्ट जहां जहां वो ट्विस्ट आया है वहां वहां बाबा अपनी श्रीमत का टोक लगाता है, श्रीमत देता है, बच्चे ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे सोचो। क्या होता है उससे, जो हमारे अंदर इतने सारे क्रेस्ट एंड ट्रफ थे, ट्विस्ट थे, उसको बाबा एक करके समान बना, ये पावर है श्रीमत, जो हमें हमारे उस ओरिजिनल स्वरूप में दोबारा लेकर आती है, जो हम टेढ़े मेढ़े हो गए थे उस टेढ़े मेढ़े को फिर से सालिम बनाती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, आपने नोट किया हो, माया सर्वशक्तिवान है, बाबा भी सर्वशक्तिवान है, लेकिन वो सर्वशक्तियां कैसे काम करती है, माया ने हमें बेंड किया, ट्विस्ट किया, मोल्ड किया, तोड़ दिया, और बाबा की सर्वशक्तियां आ करके फिर से हमें सालिम बनाती है, एक कर दिया, स्ट्रेट कर दिया, राइट? तो इसलिए वो परमात्मा, वो बाबा जो मुझे मेरे ही गंतव्य, मेरे ही उत्कर्ष पर ले जाने के लिए आया है, मेरे ही उद्गम पर ले जाने के लिए आया है, मेरे ही हाईएस्ट पोजीशन पर ले जाने के लिए आया है, उसको समझना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर हम उस कर्व को फिर से याद करें, जो कर्व था, फिर से अगर हम उसे याद करें, अब कोई उस कर्व के अगेंस्ट प्रेशर लगाएगा, फोर्स लगाएगा, तो अच्छा थोड़ी लगेगा, कोई बोलेगा नहीं आप ऐसे मत करो, आप ऐसे सोचो, तो कितना हर्ट होगा। आज तक मैं इन वाइसेस को इतना अच्छे से यूज करके अपने आप को प्रोटेक्ट करती आई हूँ, अपने अपने काम करती आई हूँ, और बाबा का कहते नहीं बच्चे गुस्सा मत करो, अरे कितना काम का है गुस्सा, कैसे नहीं करूं? तो इट इज नॉट इजी फॉर एनीवन टू लेट गो, किसी के लिए भी आसान नहीं है पुरानी रीतियों को तोड़ना, चेंज करना, नए तरीके से जीवन जीना। लेकिन जब हमारे दिमाग में, हमारी बुद्धि में ये क्लियर होता है कि ये मैं क्यों कर, और ये मुझे कौन कह रहा है करने के लिए, एंड व्हाट डज इट मीन, और इसका मतलब क्या है जब वो मुझे ये कहते हैं, जिससे कि मेरा बाबा पर निश्चय बढ़ता है, तो मेरे लिए इजी हो जाता है स्वयं के ऊपर रहम दिल होना, स्वयं को उस रास्ते पर चला करके अपने टॉप लेवल पर लेके जाना। इसलिए बाबा के साथ हमारा कंपेनियनशिप जरूरी, ये वन ऑफ द रीजंस,
हम बहुत सारी बातें यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ये वन ऑफ द रीजन है कि क्यों मुझे परमात्मा की साइकी को समझने की जरूरत है। तो अगर हम एक पल रुक करके ब्रह्मा कुमारी संस्था का हिस्ट्री देखें, इससे हमें पता चलेगा कि बाबा के साथ कंपेनियनशिप का मतलब और बाबा के साथ कंपेनियनशिप रखने का तरीका क्या। तो अगर हम देखें, जब ब्रह्मा कुमारी संस्था का नाम ब्रह्मा कुमारी नहीं था, उसको ओम मंडली के नाम से जाना जाता, और जब उसका नाम ओम मंडली था उसके अगेंस्ट बहुत सारी बातें हुई थी, एंटी ओम मंडली पार्टी भी बनी है। हमने थोड़ी बहुत अगर हिस्ट्री देखी हो तो उसके अनुसार हमने एंटी ओम मंडली पार्टी भी का भी सामना किया सारी हमारी दादियों ने। और तब जब बहुत ज्यादा इसका विरोध हो रहा था तो एक कलेक्टर थे, उन्होंने कहा था आप ओम मंडली का नाम बदल दो, बदल करके कुछ और हो। तो बाबा ने कहा ये नाम तो सबने दिया, क्योंकि ओम की ध्वनि करते थे तो सबने दिया, ये नाम हमारा हमने तो नहीं रखा, तो चलो हम इसका नाम ब्रह्मा कुमारी, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रखते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड हियर, ध्यान देने की बात है, शुरू से हमारा नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नहीं था, शुरू से हमारा नाम ओम मंडली था, और फिर उसको चेंज करके ड्रामा प्लान अनुसार प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रखा गया। दूसरी बात, जब बाबा आए आए थे और ज्ञान देते थे तो शिव बाबा का सत्य स्वरूप हमें नहीं पता था, उनको किसी और रूप से देखते, जैसे पहले अंगूठा समान बोला जाता था, अंगूठा जैसे, फिर अंगूठे के ऊपर जो ये ओवल है इस ओवल को ही याद किया जाता था। फिर एक दिन बाबा ने, हमने अगर क्लासेस की देखी, फिर एक दिन बाबा ने अपना सत्य स्वरूप बताया कि मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा हूं। समय के अनुसार बाबा ने हर एक राज रिवील किया, शुरू से हमें ये नहीं पता था कि बाबा एक ज्योति बिंदु है। तीसरी बात, जब हम लोग यज्ञ हमारा कराची में था, कराची में एक भी दादी को या बाबा को इस बात की बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं थी कि वो एक दिन निकल करके पूरे विश्व को सर्व करेंगे। वहां उनको सिर्फ यही पता था, हम हाँ जिनको साक्षात्कार हो रहा है वो यहाँ आ रहे हैं, बाबा से पालना ले रहे हैं, हम सब परिवार है, हम सब साथ रहेंगे और इसी तरीके से हमारा जीवन व्यापन होता जाएगा। किसी ने नहीं सोचा था कि उनको एक दिन बाबा को छोड़ करके विश्व की सेवा के लिए जाना पड़ेगा। जो मधुबन इतने प्यार से उन्होंने समझाया है, उसको छोड़ करके विश्व में निकल करके अनेक अनेक जगहों पर सेवाएं देनी पड़ेगी, ये बात हमारी दादियों को नहीं पता थी। हमेशा से छोटा सा कुटुंब था, 300-350 दादियों का। उसके बाद किसी को भी नहीं पता था, जब हम लोग माउंट आबू में रहते थे यज्ञ में, तो किसी को नहीं पता था एक दिन शांतिवन बनेगा, राइट? शांतिवन बनेगा, इतना बड़ा डायमंड हॉल बनेगा, 30,000 लोग वहां रहेंगे, आएंगे, अटेंड करेंगे। उसके बाद में देखिए आज तो कितने सारे कॉम्प्लेक्सेस बन गए। बाबा कहते हैं ये सब तुम्हारे लिए ही है, तुम्हारे लिए मैंने बनाया क्योंकि बच्चे बहुत आएंगे, लेकिन हमें थोड़ी पता था इतना बड़ा चेंज, पांडव भवन से नीचे शांतिवन एक कॉम्प्लेक्स बनेगा और वहां बाप दादा आने लगेंगे, ये बात नहीं पता थी। और एक और बात मैं आपको बताऊं, दादी गुलजार ने अपनी क्लासेस में ये बात कही है कि क्योंकि बाबा जब आते थे उनके तन में, तो उसके पहले दादी माउंट आबू जाती ही नहीं थी, क्योंकि बाबा का आना होता था उनके तन में। तो कभी भी दादी ने ये नहीं सोचा होगा कि मैं, क्योंकि बाबा मुझे निमित्त यूज कर रहे हैं, निमित्त बनाया है, तो मैं भी कभी शायद मधुबन ना जा पाऊं या जो भी बात है। मेनी थिंग्स वर अनप्रिडिक्टेबल, अननोन एट दैट टाइम, उस समय में नहीं पता था। और सबसे बड़ी बात जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को भी नहीं पता था कि ब्रह्मा बाबा एक दिन अपना फिजिकल शरीर छोड़ करके चले जाएंगे, किसी को नहीं पता था। ये बहुत बड़ा सरप्राइज था। जब प्रकाशमणि दादी ने सबको फोन कर करके कहा कि बाबा ने शरीर छोड़ दिया है, तो सब दादी उनको ये बोलती थी क्यों दादी आप हमारा पेपर ले रहे हो, आप मजाक कर रहे हो, बाबा ने तो कहा था कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, अंत तक साथ रहेंगे, अंत तक साथ निभाएंगे, फिर बाबा कैसे जा सकते हैं। तो पॉइंट इज, ये जो ड्रामा बना हुआ है, ये ड्रामा हर पल बदल रहा है, हर पल परिवर्तनशील है, हर पल श्रीमत रूपी डायरेक्शन उस दिन उस पल के लिए हमें बाबा से मिलता रहता है। नथिंग इज सेट इन स्टोन, पहले से नहीं पता है हमें कि क्या होने वाला है,
पहले से बाबा ने सारे राज नहीं खोले, क्यों बोल सकते ना बाबा कि बाबा आपने क्यों नहीं बताया पहले, तो बाबा ने भी बोला है अपनी मूल्यों में, जब बाबा को जो बात इमर्ज होती है ज्ञान का पॉइंट है जो भी पॉइंट वही बाबा बताते हैं, उसके अलावा बाबा को अगर इमर्ज नहीं होता तो बाबा नहीं बताते। तो ये सारी बातों का क्रक्स ये है कि हमें बाबा के साथ कंपेनियनशिप में जितना हमारा क्लियर एंड कॉन्स्टेंट कनेक्शन होगा शिव बाबा के साथ, हमें हर पल हमारे उस जीवन के लिए डायरेक्शन शिव बाबा से मिलते जाएंगे। क्योंकि ये जो रास्ता हम चल रहे हैं ये रास्ता नूतन पथ नया है, हर पल हर दिन नया है और हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा है, नया हो रहा है। तो उसमें जितना मेरा बाबा के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप होगा, कंपेनियनशिप होगा, उतना मेरे बाबा मुझे डायरेक्शन दे पाएंगे कि मुझे क्या करना। हम किसी भी प्रायर एक्सपीरियंस के बेसिस पर हमारे दिन का डिसीजन नहीं ले सकते, ठीक है। एक्सपीरियंस के नाम पे अगर हमें कुछ सेव करके रखना है तो सिर्फ इतनी बात कि तब भी मैंने बाबा पे भरोसा किया था और अब भी मेरे को बाबा पर भरोसा करना। अगर हम देखें, अगर हम बाबा के कुछ महावाक्य ही देख लें, अव्यक्त वाणी से लिए हुए ये महावाक्य हैं, दुनिया वाले एक दिन नया वर्ष मनाते हैं लेकिन लेकिन आपको तो है ही नया युग, नई जीवन, हर कर्म हर सेकंड नया है। फिर बाबा बोले नया युग है, नया ब्राह्मणों का सुंदर संसार है, नया संबंध है, नया परिवार है, नई प्राप्तियां हैं, सब नया ही नया है। बाबा के महावाक्यों के अनुसार हर पल नया है और इस कारण ही इसमें हर चीज में नवीनता है। देयर इज नो बोर्डम, बोर्डम नहीं है कि कैसे करें आज वो जो तब अनुभव हुआ था वही दोबारा हो या हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए, लास्ट टाइम मैंने यही किया था अभी भी मुझे यही करना है, क्यों? वो उसमें नवीनता नहीं रही ना, वो तो पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे हो गया। तो ये नवीनता हमारे जीवन में बना, जब हमारे सामने हर पेपर ही नया है तो उसका सोल्यूशन भी नया है और सोल्यूशन नया है, कभी भी नहीं हुआ है, इससे पहले कभी घटित नहीं हुआ है, तो मुझे कौन बताएगा? मेरा बाबा के साथ का कनेक्शन ही मुझे इस बात के लिए क्लियर करेगा कि मुझे उस समय में क्या करना है। दूसरी चीज जो बाबा के साथ के कंपेनियनशिप से होता है, पहली बात तो हमने देखा कि हमें हर पल डायरेक्शन मिलते हैं। दूसरी चीज जो होती है वो होता है कंप्लीट रिवर्सल ऑफ द ट्री ऑफ संस्कार्स। कैसे? जैसे हमने देखा, हमने हमारा ट्विस्ट एंड टर्न्स के थ्रू, कितने ट्विस्ट एंड टर्न्स से हम गुजरे द्वापर और कलयुग में, तो आकर के हम इतनी कॉम्प्लेक्स एंटिटी बन गए। उस कॉम्प्लेक्स एंटिटी के अंदर जो हमारे शुरू के संस्कार थे वो सारे संस्कार टेढ़े मेढ़े हो गए। बाबा कहते हैं ना मूल्यों में, बाबा ये बात कहते हैं तुम सब उल्टे हो गए, तुमको सुलटा करने में आया, राइट? ये बात बाबा कहते हैं। इसका अर्थ क्या है? इतनी सर्वशक्तिवान है माया, बिलीव मी बहुत सर्वशक्तिवान है, कि उसने हमारी हर एक सोच, जो एक्यूरेट सोच थी जो बाबा ने बताई थी, जो हमारे अंदर संस्कार भरे थे, उसको कंप्लीट ऑपोजिट कर दिया है। कंप्लीट ऑपोजिट ऐसी मत है जो माया की मत है। अगर बाबा की मत बोलती है बच्चे उठ करके ये काम करो, माया की मत बोली अरे रहने दो ना, नहीं हो पाएगा, तो वो भी उसी ट्विस्टेड एंटर्न जहां पर बाबा की मत का फोर्स लगता है उसको अपोज करती है, उसको ठहरने नहीं देती है, उसके कंप्लीट ऑपोजिट मत हमारे सामने लाकर रखती है, जिसके कारण हमारे सामने हमेशा ये डिलेमा होता है, करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, कि एक कान में माया बोलती है और एक कान में बाबा बोलते हैं, अभी डिसीजन मुझे लेना होता है कि मुझे क्या करना है। तो बेसिकली ये जो हमारा संस्कार का वट वृक्ष था, जो बाबा ने हमें भरा था, जो हमारे अंदर बीज डाले थे, वो सारे बीज दूषित और खंडित हो चुके हैं, वो पेड़ दूषित और खंडित हो चुका है। तो जिस भी बात को हम अपने एक्सपीरियंस से सोचते हैं, मेरे एक्सपीरियंस से ना ये होना चाहिए, there will be some change in it, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में माया के एक्सपीरियंसेस भरे हैं, मेरे एक्सपीरियंसेस में पुराने रावण के संस्कार भरे हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, पुराना और नया, जो भी
माया की मत है वो हमेशा पुरानी चीजों को लेकर के, पुरानी चीजों के ऊपर मंथन करके, पुरानी बातों के ऊपर मंथन करके, पुराने एक्सपीरियंसेस को सोच समझ करके ही वो आपको लेके जाएगी। देयर इज नो न्यूनेस देयर। और जो बाबा की मत है वो हर बार नहीं लगेगी, ऐसे लगे तो कभी किया ही नहीं पहले, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हम कर सकते, तो उसके प्रति एक रेजिस्टेंस होगा। लेकिन जैसे ही हम बाबा के साथ कंपेनियनशिप जोड़ते हैं, एक रिश्ता बनाते हैं, तो हमारा ये संस्कार का वृक्ष कंप्लीटली सीधा हो जाता है। और सीधा ही नहीं होता है, जो इधर उधर के संस्कार इधर उधर हो गए थे, जहां पर जो चीज काम करनी थी वो काम नहीं कर रही है, वो सारी चीजें अपनी अपनी जगह पर, अपने अपने ओरिजिनल आदि अनादि पोजिशन पर आ जाती है। और वो होता किस फेसिस पे है, जब हम बाबा को एज एन एग्जाम्पल अपने सामने रखते हैं। तो कंपेनियनशिप के थ्रू बाबा से हम रिलेशन बनाते हैं, और उस रिलेशनशिप के थ्रू, जो कि हमारी पूरी सीरीज का नाम है, उनकी मनोवृत्ति को समझ करके, उनके मन बुद्धि को समझ करके, जब हम उनसे रिलेशनशिप बनाते हैं, तो हमें भासना आती है, हमें समझ आता है कि बाबा की बुद्धि कैसे काम करती है। और क्योंकि बाबा की बुद्धि समझ में आने लगती है, तो हमारे कदम भी बाबा के अनुसार उठने लगते हैं। राइट। तीसरी चीज, बहुत ही फेमस सेइंग है क्रिश्चियनिटी में, God created man in his own image. भगवान ने इंसान को अपनी छवि के अनुसार बनाया है। अब अगर हम इसको थोड़ा देखें, क्या छवि है हमारे सामने? सत्ययुग आने वाला है, लक्ष्मी नारायण आने वाले हैं, धरती परिवर्तन होने वाली है, महाविनाश खड़ा है। लेकिन ये सारी चीजें, ये लक्ष्मी नारायण किसकी बुद्धि में है? मेरी बुद्धि में है, आपकी बुद्धि में है, किसकी बुद्धि में है लक्ष्मी नारायण? कैसे वो होने चाहिए, कैसे उनकी चलन होनी चाहिए, कैसे उनकी दिनचर्या होनी चाहिए, किसकी बुद्धि में है? कोई बताना चाहेगा? Who knows? कि लक्ष्मी नारायण कैसे होंगे? शिव बाबा की बुद्धि में, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ बाबा की बुद्धि में है। मेरे में है, लेकिन ऑब्सक्योर्ड है, छुपे हुए हैं। मैंने जिया है तो डेफिनेटली मेरे अंदर तो है ही, लेकिन मेरे सामने वो प्रत्यक्ष नहीं है, छिपा हुआ होने के कारण। सॉरी सोनाली बहन, शायद मैंने आपको म्यूट कर दिया गलती से, थैंक यू। तो मेरी बुद्धि में है क्योंकि मैंने जीवन जिया है, लेकिन वो मर्ज्ड इमर्ज फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ शिव बाबा की बुद्धि में है। और ये लक्ष्मी नारायण मेरा गोल है, मेरा लक्ष्य है। अब जब मेरे पास में बाबा के मन बुद्धि के अंदर बैठे सभी राजों की चाबी नहीं है, तो मैं क्या अपने लक्ष्य पे चल पाऊंगी, कैसे अपने आप को बदल पाऊंगी? कांड डू इट, राइट। ऐसे ही आने वाला समय श्री कृष्ण का है, पर अगेन श्री कृष्ण की छवि, सत्युग का पहला प्रिंस, सत्युगी दुनिया कैसी होने वाली है, वो क्रिएटर क्या क्रिएट कर रहा है, ये सारी बातें तो उन्हीं की बुद्धि में है ना। वो सत्युग कैसा होगा, वो क्या कहते हैं, सत्युग का रचयिता शिव बाबा, और जो रचना करता है वही पद देता है, वही वहां पर आपको पद देगा। अब अगर हम उस रचना करने वाले रचयिता की मन बुद्धि को नहीं समझे, तो हमें पता कैसे चलेगा बाबा क्या कर रहे हैं? इट विल नॉट मेक एनी सेंस। बाबा की बातें समझ में नहीं आएंगी, और समझ में नहीं आएंगी तो हम बाप समान कैसे बनेंगे, राइट? तो ये सारी बातें बाबा की बुद्धि में। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, एक सत्युग की झलक को थोड़ा हम समझते हैं। हमारे पास में जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इंडिया का है, वो आप सबको पता है, मोहनजोदारो हरप्पा है, राइट? मोहनजोदारो हरप्पा के अंदर भी देखिए, एक है जो मोहनजोदारो है, जो मेन सिटी है, और दूसरी जगह होती है जिसको कहते हैं चौखंडी टूम्स। ये वो जगह है जहां पर क्राफ्ट बनाया जाता है, क्राफ्ट बना ज्वेलरी वगैरह सभी सब बनाई जाती है। ये जो आपको दिख रहा है, इसके पास में पानी है, यहाँ पर बहुत सारे मोल्ड्स पाए गए हैं जिसके थ्रू ये सारी ज्वेलरीज और नेकलेसेस वगैरह बने जाते हैं। अब लक्ष्मी नारायण तो हम सबको बनना है डेफिनेटली, पर क्या पूरे सत्युग में सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी नारायण ही होने वाले, और कोई नहीं होने वाला? There will be many roles in golden age. कौन सा रोल?
माइनर्स होंगे, बिल्डर्स होंगे, आर्किटेक्ट्स होंगे, डांसर्स होंगे, सिंगर्स होंगे, एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे, कितने सारे रोल्स हैं, टीचर्स होंगे, आर्टिस्ट होंगे, सिटी प्लानर्स होंगे, सेलर्स होंगे, पार्टी प्लानर्स होंगे। बाबा ने कहा ना कितनी सारी बैचलर पार्टीज होती है वहां पे, बताया है बाबा ने अव्यक्त मूल्यों में कि वहां पर बैचलर और बैचलरेट पार्टी दोनों होती है। और फिर जब नारायण श्री नारायण श्री लक्ष्मी का विवाह हो जाता है, स्वयंवर हो जाता है, तो उसके बाद में कपल्स पार्टी भी होती है जहां पे सिर्फ कपल्स अलाउड होते हैं। तो आप बताइए इतनी सारी चीजें, इतने सारे रोल्स हैं, उसमें मेरा रोल क्या होने वाला है, मेरी कौन सी विशेषता है, वो हमने कभी नहीं सोचा। हम सिर्फ ये सोचते हैं हमें लक्ष्मी नारायण बनना है। ठीक है, लक्ष्मी नारायण तो हर हर वहां का डेटी सोल नारायणी होगा और लक्ष्मी के रूप में होगा, लेकिन हम सब के अंदर एक एक क्वालिटी है, यूनिकनेस। उस यूनिकनेस को हम कैसे निखारेंगे? अगर आज हम अपने जीवन में देखें तो कई सारे डिसीजंस हम कंपटीशन के बेसिस में लेते हैं। आपने ऐसा किया ना, मुझे भी ऐसा करना है। अरे वो देखो उन्होंने ऐसा किया ना, उनको जीवन में सफलता मिली तो मुझे भी ऐसा करना है। फाइन, कॉम्पिटिशन के बेसिस पे हम वो बनना चाहते हैं जो कोई दूसरा है। लेकिन कल को जब हम बाबा से जुड़ते हैं तब हम वो बनते हैं जो हम बनना चाहते हैं, जो हमारी क्वालिटी। अब भाई मुझे बहुत अच्छा गाना गाना आता है, मैं बहुत तरह का अच्छा सा ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ, सिम्फनी ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ, बहुत अच्छे से गा सकती हूँ, कईयों को अपने गाने के द्वारा, जैसे आज हमारी अस्मिता दीदी है, अपने गाने के द्वारा कितने भाई बहनों का योग लगवा पा रही है, कितनी सुंदर क्वालिटी है। तो क्या मैं अपनी क्वालिटी छोड़ दूंगी कि नहीं, मुझे तो राज्य करना है, मुझे तो नारायण बनकर के पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभालना है। ठीक है, आप करिए, ऐसा नहीं है कि हमारे पास में एक लिमिटेशन है कि हम यही बन सकते हैं या ये नहीं बन सकते। लेकिन अपने साथ जब हम ऑनेस्ट होते हैं, अपनी क्वालिटीज को जब हम निखारते, आई रियली लव सिंगिंग, मुझे बहुत पसंद है गाना गाना, लेकिन कॉम्पिटिशन के बेसिस पे हम ये बोलते नहीं नहीं मुझे तो लक्ष्मी नारायण करना है, देन मैं अपनी क्वालिटीज को, अपनी विशेषता को, अपनी यूनिकनेस को होन नहीं कर रही हूं, राइट? तो बाबा के साथ कंपेनियनशिप के थ्रू जितना मेरा पर्सनल रिलेशनशिप होता है, पर्सनल मेरी बाबा से बात होती है, उतना उतना मैं स्वयं को भी समझ पाती हूँ कि मैं कौन, मेरी क्या विशेषता है। जैसा कि हमने देखा, सपोज कोई विश्व महाराजन है, जब विश्व महाराजन रहा सत्युग त्रेता में, तो जब वो विश्व महाराजन रहा सत्युग त्रेता में, उसने अपने आप को, उन्होंने अपने आप को जिम्मेवार समझा सारी प्रजा के लिए। तो सोचिए वही जिम्मेवारी जब वो द्वापर में आया, या वही अपनेपन की संपूर्ण दुनिया के लिए फीलिंग, उसके लिए बहुत भारी नहीं हो गई होगी संभालना? कैसे? क्योंकि शक्ति नहीं, तो सभी को खुश कर नहीं सकते। तो जो हम थे, जो हमारी क्वालिटी थी, जो हमारी विशेषता थी, जो हमारा पद था, उस पद को कायम रखने के लिए द्वापर और त्रेता में ही, इसके कारण ही हम इतना डिप्लीट हुए। और आज जब हम अपनी क्वालिटीज को देखते हैं कि मुझे ये बहुत अच्छा आता है, मुझसे, मैं ये बहुत अच्छा कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, कुछ भी हो सकता है वो, तो उससे हम समझ सकते हैं कि हमारा सत्य त्रेता में पद क्या रहा होगा या क्या होने वाला है। एंड इंस्टेड ऑफ कि हम सब भेड़ चाल चले, हम अपनी अपनी यूनिकनेस को होन कर सकते हैं, राइट? तो इस तरह के कई रोल्स हमें बाबा के साथ जुड़ने से स्पष्ट होते हैं। बाबा ने कहा जैसे कि आज के समय में, अभी मैं ये जो बात है कि सिर्फ और सिर्फ किसी चीज जो है, तीसरी चीज जो है कि सिर्फ गॉड, सिर्फ परमात्मा ये बात समझते हैं कि किस तरीके से सत्युग की रचना की जा रही है, हो रही है, और उसके पीछे कितनी तरह की शक्तियां, कितने तरह का बल काम में आ रहा है, ये हम इस टॉपिक को हम और गहराई से बाबा एज अ साइकोलॉजिस्ट में समझेंगे कि किस तरीके से बाबा एक साइकोलॉजिस्ट है,
और बाबा एक गणितकार या एक साइंटिस्ट विशेषज्ञ, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी टाइटल्स है बाबा के। ये होने के कारण कैसे बाबा को पता है कि किस किस तरह की शक्तियों का इस्तेमाल करके वो बच्चों को बाप समान बना रहे। तो इसलिए ऐसे कई सारे डीप सीक्रेट्स क्रिएशन के, सोच के और कई सारे एस्पेक्ट्स के डीप डीप सीक्रेट्स शिव बाबा को ही क्लियर, जो हमें क्लियर नहीं होने के कारण हमारे जीवन में कंफ्यूजन आता है। तो बाबा के साथ कंपेनियनशिप हमें कितने तरीके से हेल्प करती है टू बिकम हु वी वर, जो हम थे वही हमें अब बनना है, और ऐसी कई सारी बातें जो धीरे धीरे करके बाबा के साथ में रिवील होती है। तो इस रिलेशनशिप के थ्रू, इस कंपेनियनशिप के थ्रू, बाबा की मन बुद्धि को समझने के द्वारा हम स्वयं के करीब आते जाते हैं। तो अब हम बाबा के साथ में थोड़ी सी देर मेडिटेशन करें, और ये मेडिटेशन बहुत यूनिक होने वाला है। जैसा कि हमने देखा कि बाबा के साथ कंपेनियनशिप मेरे अंदर के कई सारे सीक्रेट्स रिवील करती है और मुझे अपने करीब लाती है। लेकिन उस कंपेनियनशिप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे सामने खड़ी होती है वो ये होता है कि हमें बाबा पर, क्योंकि बाबा को नहीं समझते हैं, नहीं समझने के कारण बाबा के ऊपर, बाबा के कर्तव्यों के ऊपर, बाबा के डिसीजन, बाबा की मत डायरेक्शन के ऊपर हमें निश्चय नहीं होता। तो अब हम क्या करेंगे, आप लोगों को 2 मिनट देते हैं। आप लोग सभी उस जगह पर जाके बैठ जाएं जहां पर बाबा की फोटो है, या बाप दादा आपके घर में, आपके सेंटर पे, जहां पर भी है। आप बस 2 मिनट लें और अपने आप को रीलोकेट करें एक ऐसी जगह पर जहां पर आपके पास, हमें बाप दादा के सामने नहीं बैठना, हमें बाप दादा के साथ बैठना, एडजेसेंट टू हिम, नेक्स्ट टू हिम हमें जाकर के बैठना। हम सब 1 या 2 मिनट लेंगे और बाबा के पास में जाकर बैठे, सामने नहीं, पास में जाकर बैठे, नेक्स्ट टू हिम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दैट। तो हम लोग सब 1 मिनट लेते हैं। Now that I have Baba, now that I have Baba with me, sitting next to me, सामने नहीं साइड, तो हम हमारे बुद्धि में वो हर एक टेंशन, स्ट्रेस या डिलेमा वाली बात को इमर्ज करके
बाबा को साथ बिठाया, पास में बिठाया। और मैं आत्मा, अपने हर एक स्ट्रेस को, टेंशन, कंफ्यूजन से भरे लम्हे को अपने सामने इमर्ज करो। देखें बाप दादा का हाथ एज अ कंपेनियन, मेरे साथी के रूप में मेरे हाथ में, वो मेरा साथी है। मैं उन हर एक बात अपने दिमाग में ला रही हूं, जो मुझे दुख देने के, अशांत करने के निमित्त कॉन्स्टेंटली बुद्धि में बाबा का हाथ अपने हाथ में देखे, तो मेरे पास मेरे लिए मेरे साथ और मैं उसके साथ अपने अंदर आ रही उस हर एक लम्हे मुझे दुख दिया, शांत किया, बाबा के हाथ में पकड़ा देखे बाबा का खुला हाथ और मैं आत्मा उसके अंदर अपनी हर एक फीलिंग को डालू। बाबा अपनी मुट्ठी बंद कर रहा है, मेरा हाथ बाबा के हाथ में और मैं दिल से कह रही हूं बाबा मुझे आप पर भरोसा, मैं आप पर विश्वास करती हूं, ये जो भी है से आप मुझे बाहर निकाल। आई कंप्लीटली ट्रस्ट यू। आई नो आई कैन ट्रस्ट यू। अब बुद्धि में बहुत सारे रिश्ते लाते रहते जिनमें उलझन है, जहां मेरी जिम्मेदारी, जहां बोझा है, जहां परेशानियां लेके आते हैं उन सभी। और बाबा के हाथ में उनका हाथ थमाते, एक हाथ से बाबा ने मुझे पकड़ा है, दूसरे हाथ में सारी जिम्मेदारियां, सारे टूटे बिखरे रिश्ते मैं बाबा को दे रही हूं। हर एक रिश्ता जहां दर्द है, जहां मेरी लिमिट है, जहां अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, देखकर बाबा को कह रही हूँ बाबा आई ट्रस्ट यू, दिल से मैं आप पर भरोसा करती हूँ, मैं आप पर भरोसा करता
मैं इनको आपके हाथ में छोड़ने का बहुत दुर्गम कदम सिर्फ आपके भरोसे पर उठा रहे हैं। Because I know, I can trust you. आप विश्वास के पात्र हैं। आप जिम्मेदार हैं। ये आपका गुण है, जिम्मेदारी उठाना। और मैं आपके इस गुण पर भरोसा करती हूँ। स्वयं बिंदु स्वरूप में दिखे, निराकार स्वरूप में दिखे। बाप दादा अभी बैठे हैं, पर मेरा स्वरूप निराकार है और मैं बाबा से मिली गिफ्ट शरीर को बाबा की गोद में बिठाकर बाबा को दे रहे बाबा आई ट्रस्ट के साथ जो होना है, जो घटना है, सबसे मैं बेफिक्र हो रही बिकॉज आई ट्रस्ट यू। आप पर विश्वास करती हूँ, आपकी सर्व शक्तियों पर विश्वास है, आपकी बुद्धि पर विश्वास है। मुझे विश्वास कि आप मेरे हितेशी हैं, आपसे लड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं समझ गई आप मुझे मेरी सभी उलझनों से लिबरेट करने आए हैं। आपकी कंपेनियनशिप मुझे सदा के सुख के दिनों में जाने का रास्ता दिखा। इस रिलेशनशिप में मैं ट्रस्ट भर रही, विश्वास आप मेरे साथ लेकिन फिर के इस बात को जहन में उतरने
के बाबा ट्रस्ट वर्दी, वो मेरे विश्वास को कभी नहीं तोड़ेगा। आज तक दुनिया ने जो भी भगवान के बारे में कहा, समय पे साथ नहीं देता, पता नहीं है या नहीं, इन सारे बिलीव्स को मैं यार समझ रही हूं कि ये इंसान की छोटी सोच है, लेकिन परमात्मा का गुण ही भरोसेमंद होना। ओ मेरे भरोसे का पात्र, स्वयं ट्रस्टिंग है, मैं उन पर भरोसा करूंगी। उसी के बेसिस पर के ऊपर बातें छोड़ रही, और भी अगर कोई बात है तो बाबा पर भरोसा करके आइए, उसे बाबा के हवाले करते हैं। लिखे होते हैं जब हल्के हो गए तो बाबा की कंपनी को एंजॉय करते हैं। व्हाट इज इट, कैसा है बाबा के साथ बैठना, कैसा फील होता है बाबा। ब्रह्मा तन का आधार लिए शिव बाबा, मेरा पिता, उनके पास बैठना कैसा लगता है। एक पल ठहर कर अनुभव करते हैं। What is it like to sit next with Shiv Baba? क्या मीठा है, कड़वा है, खट्टा है, आज कौन सा रूप बाबा दिखा रहा है। कौन सा स्वाद चखा रहा है। Let us try to catch बाबा क्या कहना चाह रहा है, क्या फील करवाना चाह रहा है। के मन बुद्धि की एक ग्लिम्स को कैच करते हैं। क्या चल रहा है बाबा की बुद्धि में, पूछते हैं बाबा क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, मुझे बताओ। My innocence, I'm connecting with them.
बाबा, आपका कारोबार कैसा चल रहा है? मेरे लिए क्या सेवा? बाबा से प्रश्न पूछते, बाबा के होने को साथ बैठे रहने करते हैं। आज आप कहां कहां चक्कर लगाने गए? आपने क्या क्या देखा? मुझे समाचार सुनाओ। क्या बाबा का जवाब सुनाई दे रहा? हाँ, बाबा हमसे कुछ कह रहा है। सब को बाबा नवीनता से भरपूर नए नए संकल्प देने के लिए तैयार है, हर एक के सम्मुख है, पर्सनली इन्वॉल्व है। क्या मुझे ये पर्सनल रिलेशनशिप, ये कंपेनियनशिप अनुभव हो रही है? तरीके से बाबा के साथ जो रियल है, इमेजिनेशन नहीं है, अनुभव कर सकते।